नौजवान साहब परमात्मा ख्याल आया आजाद काबे वाल चेला करके पड़ी दी है फिलहाल काबे भी छत ते खड़ा है किधर चेहरा करके अजान पड़ी जा रहा है सहाबा वेखिया फिलहाल का इश्क वेखिया रौन रह गए फिलहाल अजान पड़ी जा रहा है पड़ी जा रहा है पड़ी जा रहा है जिधर जिधर कमली वाला टुरी जा रहा है फिलहाल उधर उधर मुड़ी जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقریباً ہر جمعے میں یہ وضاحت ضرور کرنا کہ دوستان دے ذہن چ خیال ہوندا ہوئے گا کہ لوگ اتنے پھل اور اتنے ہار لے کے کیوں آتے ہیں تو میں ہر جمعے یہ جملہ ضرور بولنا کہ چنگیاں دے لڑ لگے میری چولی پھل پے بس دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے آبا سے کریمہ دی مہربانی ہے گرامی قدر حضرات رمضان المبارک دا ماہ مکرم الحمدللہ ساڈے سراں تے سایہ فگنے اور اللہ رب العزت دیاں رحمتاں برکتاں مغفرت دن رات اہل ایمان سمیت رہن گزشتہ جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے رمضان المبارک دے حوالے نال اور حضور سید کائنات دے حوالے نال گفتگو سماعت فرمائی
रमजान उल मुबारक के अंदर तारीख इस्लाम के बहुत अजीम वाकयात गुजरे। उन वाकयात जो एक अजीम वाकया जिन इस्लाम की तारीख का रुख मोड़ के रख दिता, वह नाम है गज़वाए फतह मक्का। 10 रमजान उल मुबारक तो लेके 20 रमजान उल मुबारक के दरमियान तक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मक्कतुल मुकर्रमा को फतह फरमा लिया। अजदा खुतबा जुमतुल मुबारक उस अजीम फतह मक्का दे वाकया दे हवाले दे नाल ले, ताकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी और हयात तैयबा और सीरत तैयबा के अंदर जो वाकयात गुजरे अहल इस्लाम नो उन दे एक एक वाकये दी एक एक रमज दी खबर होनी चाहिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि सानू नबी करीम के घर के बच्चों नू नबी पाक के मगाजी यानी हजूर दी जंगां इंज पढ़ाई जांदियां सन जिवें लोग अपने बच्चों नू कुरान दी आयतां पढ़ाते। तो लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि अहले ईमान नू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मगाजी हजूर दे गज़वात और हजूर दे वो जंगां दा भी जिक्र सुनाया जाए, क्योंकि इन विच साडे वास्ते बहुत ज्यादा सबक ने। गज़वाए फतह मक्का क्यों होया, इहदे असबाब की सन? नबी करीम अलैहिस्सलाम उमरा करने वास्ते मदीने तो मक्के तशरीफ लाए, तो मक्के वाले आख्या कि असा तुहानू मक्के नहीं आवन देना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस वेले मुकामे हुदैबिया ते कुफार नाल इक मुआहदा लिखिया। ज़ाहरी तौर ते मुआहदे दे अंदर जिहड़ियां शराइत सन वो मुसलमानां नूं इंज लगदा सी जिवें सारियां शराइत साडे खिलाफ ने, मगर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हिकमत आपदी तनाई आपदी दूर अंदेशी सुलह हुदैबिया दे उस तहरीर दे विच वाज़े नजर आ रही, मगर ज़ाहरी तौर ते नहीं। उन्हों या खुदा जानदा सी या मुस्तफा जानदे सन। सुलह हुदैबिया दी शरायत विच पहली शर्त यह सी कि नबी करीम और उन्हां दे सहाबा इस साल उमरा नहीं करनगे, अगले साल जिहड़े हुरमत वाले महीने ने उन्हां विच आके नबी करीम अलैहिस्सलाम उमरा करनगे और 3 दिन मक्के गुजारनगे फिर वापस चले जावनगे। हालांकि ज़ाहरी तौर पर यह भी शर्त मुसलमानों को कबूल नहीं सी। इस सहाबा कहते सन असी उमरा करन आए हैं असी करके ही जाना है, मगर नबी करीम ने इस शर्त को तस्लीम कर लिया। दूसरी शर्त यह सी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा मक्के आवनगे मगर कोई तलवार तो इलावा हथियार नहीं लेके आवनगे, और तलवार भी अपनी नयाम के बिच रखे नयाम तो बाहर नहीं निकालनगे। ज़ाहरी तौर पर यह भी शर्त मुसलमानों के खिलाफ सी, नबी पाक ने यह भी तस्लीम फरमा ली। तीसरी शर्त यह सी कि काफिर के बिचों अगर कोई मुसलमान हो के मक्के तो मदीने जाएगा तो मदीने वाले उन्हें वापस करेंगे, मगर अगर कोई मदीना तो या बाद तो अगर कोई वापस मक्के आएगा तो मक्के वाले उन्हें वापस नहीं करेंगे। यह भी शर्त मुसलमानों के खिलाफ सी, मगर नबी पाक ने यह भी तस्लीम कर ली। चौथी शर्त यह सी कि जेड़ा कबीला पूरे अरब च चाहे वह मक्के वाले नाल मुआहदा कर लवे, जेड़ा चाहे मदीने वाले नाल मुआहदा कर लवे। ग्रामी कदर हजरात रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारियां शर्त मक्के वाले दियां कबूल फरमा लिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम दे नाल एक कबीला जिहदा नाम है बनू खुज़ा, इन्होंने उस मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलाम नाल वादा कर लिया कि अज तो बाद जिहड़ा तुहाडा दोस्त है वह साडा दोस्त है, जिहड़ा तुहाडा दुश्मन है वह साडा दुश्मन है। बनू बकर एक कबीला उन्होंने मक्के वाले दे नाल मुआहदा कर लिया कि असी आपस में एक दूसरे के दोस्तों के दुश्मन भी साढ़े सांझे होवनगे। बनू बकर और बनू खुज़ा ये दोनों आपस में दुश्मन कबीले सन, एक ने मक्के वाले नाल मुआहदा कर लिया एक ने नबी पाक नाल कर लिया। नबी पाक के मुआहदा करके मदीना शरीफ वापस आ गए, चंद दिन गुजरे। बनू बकर के एक नौजवान ने नबी पाक की बेअदबी से गुस्ताखी की, नबी करीम अलैहिस्सलाम दे गुस्ताखी सुन के ते बनू खुज़ा जिन्हें नबी पाक ने मुआहदा किया सी उन्हां दा एक नौजवान उठाया, उन्होंने मना किया कि नबी पाक की बेअदबी ना कर, उन्हें दोबारा जुमला बोलिया, उन्हें मार मार के उन्हें जख्मी कर दिता। बनू बकर
ਮਤਾ ਮਾਹਦਾ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਤੇ ਬਨੂ ਖਜ਼ਾ ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ कबीले वाले दौड़ के जाके हरमे काबा च पना ली मगर काफिर बाज ना आए ना हरमे काबा च भी कत्ल कर देते। गिरामी कदर हजरात नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनू खुजा दे चंद लोग गए अमर बिन सालम खुजाई 40 अफराद लेके मदीने आया उन्हें आके दुहाई दी कि ए मुहम्मद बिन अब्दुल्ला असा तुहाडे नाल मुआहदा कीता सी मगर काफिर ने मुआहदा तोड़ के साडे ते रातों रात हमला कीता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मक्के पैगाम भेजा तीन शर्तां रखियां हजूर ने फरमाया या तो तुसी बनो बकर दे नाल मुआहदा तोड़ दियो एक शर्त दूसरी शर्त या तो कुरैश मक्का बनो खुजा दे जिहड़े मकतूल ने उन्हां दा खून बहा दियो यानी पैसे दियो। तीसरी शर्त नबी पाक ने फरमाया कि या तुसी कह दियो कि तुसां ओ जिहड़ा मुआहदा साडे नाल कीता मदीने मिली ते हुजूर ने फरमाया सहाबा जंग दी तैयारी करो असीं मक्के ते हमला करांगे। चंद दिन बाद जब मक्कियों ने पता चलिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर तैयार कर रहे ने हुन मक्के वाले सोची पै गए कि अगर मक्के ते हमला हो गया मुमकिन है कि असीं मुकाबला ना कर सकीए। सारे सियाने बैठ गए थे अबू सुफियान कह लगे तू मक्के दा सरदार है तू मदीने जाते जाके मुआहदा दोबारा तय करके आ। नौजवानों अबू सुफियान जब मदीना तय बाबल टुरिया ना ते रस्ते च सोचता आ रहा है कि मैं किन्नों अपना सिफारशी बना के मुहम्मद की बारगह च लेके जावा ख्याल आया कि मेरी बेटी मुहम्मद की बीवी है ते होवे ना ते मैं पहले अपनी बेटी को जावा कि मेरी बेटी मेरी सिफारिश मुहम्मद अरबी के सामने करे। हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाप जब मदीने अपनी बेटी के घर आया नबी पाक उस वेले घर में अबू सुफियान आके नबी पाक की चार पाई ते बैठन लगा। बेटी उम्मे हबीबा कहन लगी अबू जी जरा ठहरे आ जे अजे ना बैठे अजे बाप समझा कि शायद मैं मक्के तो मदीने आया ते बाप आवन ते बेटियां जहेज दे नवे सूट निकाल के रख दिया नवे कपड़े निकाल के रख दिया नवे बिस्तर बिछा दिया मेरी बेटी मुमकिन है मेरे वास्ते नवा बिस्तर बिछावे पर बेटी ने पुराना बिस्तर भी उठा के ते अबू ने आख्या हुण बह जाओ। अबू सुफियान ने बेटी वल हैरत ना वेख के आख्या कि मैं मक्के तो मदीने आया इतना सफर करके बेटी नू मिलने वास्ते ते तू मेरे वास्ते नवा बिछावा दी बजाय पुराना भी बिस्तर उठा लिया ते बेटी कहन लगी बिस्तर मुहम्मद अरबीद है कमली वाला पाके ते हजूर दा बिस्तर भी पाके तू पलीद है तू काफिर है पाप होना अपनी जगह पर इत्थे मसला इश्क दा आ गया है। हां मसला इश्क दा आ गया लिहाजा इत्थे बाप ते बेटी दा रिश्ता नहीं इत्थे ईमान ते कुफर दा रिश्ता बयान हो रहा है। आख्या ना ना तू पलीत ते मुहम्मद दा बिस्तर पा के अबू सुफियान ने वेख्या कि बेटी मेरी हो के ते साथ मुहम्मद दा पे देंदी है कौन मेरा सिफारशी मदीने बनेगा मेरा दिल करदा मैं ते कुरान पढ़ा भाई नहीं बोले तुसे सुभान अल्लाह बिल्कुल नहीं आवाज आई नाल दे दा भी हाथ चुको बेशक रोजा कई को नहीं चुकया जाता पर नाल दा बिल्ली सहारा कराओ हाथ चुके नहीं उची सुबान अल्लाह बोलो मदीने आवाज चली जावे या अल्लाह जड़ा इस तू उच्चा बोले इसे रमजान शरीफ चुमरा करके आवे हूं जड़ा इस तू उच्चा बोले साल अपनी अम्मी ते अबू नाल हज कर आवे या अल्लाह जड़ा इस तू उच्चा बोले उहदे सारे रोजे कबूल हो जाव जड़ा इस तू उच्चा बोले पांच वक्त दा बाद जमात नमाजी हो जाए माशाल्लाह माशाल्लाह हुण इत्थे कम रखिया जाए अल्लाह ने रिजा फरमा फल्लदीन आमनु बिही वअज़रू वअज़रू वनसरू वत्तबउ नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। पीरे बहू ने दर्द जमाए जे फरमाया आ फरमा दे ने इलम पढ़िया जौहर नहीं
जेड़े हो मन जात कमीने पितलो कदी सोना नहीं बनदा पावे जड़िए लख नगीने खुलो कदे दाद नहीं मिल दी पावे हो मन लख खजीने बिना अदब न जात नहीं मेरा गाँव मिल पाओ पावे मरिए बिच मदीने अदब नजात नहीं कामिल बाहू पवे मरिए बेच मदीने हो ग्रामीण कदर हजरात पता लग्या होवे मदीने होवे नबी दा बेअदब रब नो बारा नहीं खांदा नहीं बारा खांदा रब नो अबू सुफयान नो ख्याल आया हुण किदी सिफारिश करा सोची पै गया अबू बकर कोल जावा आ गए अबू बकर नो कह लगे मेरी मुहम्मद दी बारगाह सिफारिश कर असी मुआहदा होता भी अदब दोबारा ताजा करने वास्ते आया हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया ना ना फैसला या अल्लाह करेगा या रब दा रसूल करेगा तुसी होर हौला बोलो तुहानू नजर ना लग जाए होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह उन्हें आख्या उमर कोल जावा उमरे फारूक दे सामने आए ते आपने तलवार खिंच ली आपने फरमाया तू किधर मदीने काफिर हो के मेरे नबी दे मदीने पे फिरना उन्हें आख्या सुलह करना फरमाया कोई सुलह नहीं चल ख्याल आया मैं उस्माने गनी को जावा आगे पर आपने भी फरमाया ना ना कितनी जुर्रत है नबी पाक दे सामने बोले उन ख्याल आया अली को जावा मौला अली दी बारगाह आया ते मौला अली ने फरमाया कोई सूरत नहीं कोई सूरत नहीं मौला अली नु कान च कहन लगा कोई तरीका ही दस नहीं बोले सुभान अल्लाह मैं किनू गल्ला सुभान अली नु कहन लगा कोई तरीका दस शेरे खुदा ने फरमाया तरीका इको ही है किसी पहाड़ की चोटी ते खलो के ना ते ऐलान कर जा साड़ी तुहाड़ी सुलह ते वापस चला जा इत्थे तेरी सुननी किसे नहीं मस्जिद नबी दे दरवाजे ते खलो के कहन लगा भाई मैं सुलह करना आया साड़ी तुहाड़ी सुलह है आप ही सुलह करके टुर पिया जाके मक्के कहन लगा कि मेरी किसे नहीं सुनी अली ने मशवरा दिता कि किसी चोटी ते खलो के ते ऐलान कर जा मैं मस्जिद नबी दे दरवाजे च खलो के ऐलान करके आ गया मक्के दे सारे काफिर कहन लगे लै फिर अली है ते तेरे नाल उम्र च छोटा पर उन्हें तेरे पल्ले छड़िया कख नहीं आप ही सुलह दा ऐलान कर गया ना किसे सुनिया ते ना किसे तेरी उत्थे मुल पाए गिरामी कदर हजरात पता लग्या काफिर सारे नाकाम हो गए इस मामले च कोई मुआहदा नहीं हुण नबी करीम अलैहि सलाम ने तैयारी कर ली आपने फरमा मक्के ते सा हमला करना है सहाबा तैयारी करो तैयारी हो गई नबी पाक दे सहाबी सन उन्होंने नाम से हजरत हातिम बिन अबी बलदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हों की सारी फैमिली अज मक्के रहती सी मदीने नहीं आई इन्हों की एक नौकरानी सी जिहड़ी मक्के इन्हों की फैमिली का ख्याल रखती सी उस साल च एक बार मदीने आती है आप नूं पूरे साल की तनखाह कट्ठी दे दिंदे ने मेरे घर का ख्याल रखी मेरे घर वालों का मक्के ख्याल रखी वो पैसे लैन तनखाह लैन आई आपने उन्हें एक खत लिख दिता मक्के दे काफिरां दे नाम के काफिरों तैयारी कर लो नबी पाक तुहाडे ते हमले दी तैयारी पे कर दे उस बीबी ने खत अपने जूड़े च रखिया ते मदीने तो मक्के वल टुरी ते नबी पाक नो अल्लाह ने वही नाजल फरमाई कि खत मक्के वल जा रही है नबी पाक ने मौला अली नो ते हजरत मिकदाद ते हजरत जुबैर नो बुला के फरमाया फला मुकाम ते का औरत मिलेगी उहदे जूड़े च खत होवेगा वेख मेरे नबी दा इल्मे गैब फरमाया उदे जूड़े च खत होवेगा जे ते खत दे देवे फाबे हार ना देवे ते कतल करके भी वो खत वापस लेके आओ मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा गए ते हजरत मिकदाद ते हजरत जुबैर जाके उस मुकाम ते बीबी नु पकड़िया फरमाया खत निकाल उन्हें कसम चुक ली कहन लगी मेरे को कोई खत नहीं हजरत जुबैर ते हजरत मिकदाद कहन लगे मुमकिन है कि औरत ठीक कहंदी होवेगी इहदे कोल खत नहीं कसम उठा ली मौला अली फरमाते ने सारा जग झूठा हो सकता कमली वाला नहीं हो सकता मौला अली ने उहदे हलक उत्ते तलवार रख के फरमाया मैं तेरी गर्दन उतार देनी है खत निकाल
उन्हें अपने बाल खोले, जूड़ा खोलिया, खत निकलिया। मौला अली खत लेके आ गए, नबी पाक ने पढ़िया ते हजरत हातिम बिन अबी बलता नु बुला लिया। फरमाया तू इस तरह क्यों कीता है, क्यों खत भेजे? उन्हें अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरे ईमान ते शक ना करे आज। फरमा क्यों किया? अर्ज की मेरी फैमिली मक्के रहती है, मक्के के काफिर मुमकिन है जंग के दौरान मेरी फैमिली नुकसान देवन। मैं खत पहले भेजा ताकि उन्होंने दिल च मेरे वास्ते रहम आवे, मेरी फैमिली को कुछ कहना। मैं ते अपनी फैमिली के तहफुज वास्ते इस तरह किया है। हजरत उमर फारूक तलवार उठा ली, अर्ज की या रसूल अल्लाह ए हातिम ए मुनाफिक हो गया, मैं दी गर्दन उड़ा देने। नबी पाक ने फरमाया ए मुनाफिक नहीं हो सकता। अर्ज की सोने क्यों? फरमाया ने मैदान बदर च जंग की, बदरी जेड़े सहाबा सन 313 उन्होंने बारे रब ने कुरान च फरमाया कदे एक गुनाह भी करन ते सवाब भी लिखा जाएगा। फरमाया ए गुनाह नहीं कर सकता, एदी माफी दा रब ने कुरान च ऐलान किया है। मेरे नबी ने हुन माफ कर दिता। ग्रामी कदर हजरात तैयारी हो गई, वक्त थोड़ा, मैं जल्दी जल्दी बात समेटा। 10,000 का लश्कर मेरे नबी ने तैयार किया। कितना? उस दौर च 10,000 का लश्कर। ओ मदीने दा ताजदार कमली वाला जिहड़ा कदे रातों रात मक्के तो कल्ला निकलिया सी, अज मेरा नबी मदीने तो मक्के वाल जा रहा है 10,000 का लश्कर। हर कबीले दा अलहदा अलहदा झंडा उहदे हाथ च मेरे नबी ने पकड़ाया। गिरामी कदर हजरात उधर मक्कियां नूं खबर होगी कि नबी पाक आ रहे ने। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा तो जद टुरे ना मदीने वाले, 10,000 दा लश्कर। मेरी बात तवज्जो ना सुने आज, मेरे नबी करो फरन याले बड़ी आजजी नाल मदीने वाले आ रहे, आजजी नाल आ रहे। अचानक रस्ते च मेरे नबी ने देखा एक छोटी जी कुतिया अपने बच्चियां नूं दुध पे पिलांदी है। सहाबी दी ड्यूटी लगा के फरमा इत्थे खलो जा, जब तक पूरा लश्कर ना गुजर जाए इत्थों हिलने ना। तवज्जो है, एक कुतिया अपने बच्चे नु दूध पिला रही थे, सहाबी दी ड्यूटी लगा दी कि पूरा लश्कर जब तक गुजर ना जावे तू हिली ना। मेरे नबी दसिया मैं चलिया ते जंग करना, पर आवेख लो मैं कुत्ते दे बच्चों का भी तहफुज पिया करदा। मेरे आका अलैहि सलाम मक्कतुल मुकर्रमा तो एक मंजिल दे फासले ते आके डेरे लगा ले। अगली गल, नौजवान जड़े वेले सैयद आलम ने मक्कतुल मुकर्रमा दे पाओ डेरे लगाए, 10,000 सहाबा ने, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया सारे अग जला लो। जड़े वेले सारे ने अग जला ली, उन 10,000 सहाबा दे हाथा दे अंदर शमाए, नौजवान ने पहाड़ दे चढ़ के वेखे आओ ते 10,000 दा लश्कर उन्होंने अग जलाई हुई। एक दूजे नु पुछदे ने कौन आए ने, ए कौन आए ने? अबू सुफियान हजरत अब्बास नु पुछदा ए कौन आए ने? हजरत अब्बास ने फरमाया मुहम्मद गुलाम आए ने। उन्हें आख्या अब्बास अज ते तेरे भतीजे दियां शानां ही वखरियां ने, अज तेरे भतीजे दियां शानां ही वखरियां ने। नौजवानो नौ सुले रबी ने रात जड़े वेले गुजारी, सैयद आला मक्का दल मुकर्रमाओं दे करीब आए, सारे मक्के मेरे नबी दियां शानां वेख के हैरान रह गए। मक्के ते मुशरिक ते काफिर इकट्ठे हो गए, रसूले रबी टुरे टुरे जड़े वेले मक्का दल मुकर्रमाओं दे अंदर आए, सारे मक्कियां ने अपनी तलवारां जमीन ते रख दित्तियां। मेरे आका अली सलाम ने फरमाया कौन जड़ा जे मेरा मुकाबला करेगा? नौजवान सारे मक्कियां ने अपनी गर्दनां नीवियां कर लईयां, अपनी तलवारां जमीन ते रख दित्तियां। मेरे आका ने फरमाया जड़ा हर में काबा च आ जे उन्हों भी माफी, जेड़ा हरम काबा दे अंदर आ जे उन्हों भी माफी है। लोगों ने बोल के आख्या जी हरम की जगह बड़ी थोड़ी, इतने कितने को लोग आवनगे, माफी का खुला ऐलान करो। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा अबू सुफियान दे घर चला जाए उन्हों भी माफी, जेड़ा अबू सुफियान दे घर चला जाए अज उन्हों भी माफी है। लोगों ने अर्ज की जी घर भी छोटा किन्ने को लोग आवनगे, मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा अपने घर का दरवाजा बंद कर लवे अज उन्हों भी माफी है। नौजवान सारे कट्ठे हो गए,
नबी करीम अलैहि सलाम फाते आना दा चमक आए काबे च खलो के मेरे नबी ने फरमाया दसो अज मैं थोड़े ना केड़ा सलूक कराऊं रमजान शरीफ दा रोजा रख के आना वाल आओ मैं तुहानू नबी दी सीरत दा पावां भी अर्ज कराऊं काफिरां वल वेख के मेरे नबी ने फरमाया दसो अज मैं थोड़े ना केड़ा सलूक कराऊं केड़ा नबी नू पत्थर मारदा रहा सी ओनू भी ख्याल आया मैं पत्थर मारे ने अज मुहम्मद बदला लवेगा जिन्हें मेरे नबी नू गालियां दित्तियां ओनू भी अज ख्याल आ रहा मैं भी गालियां देंदा रहा अज मुहम्मद बदला लवेगा जिन्हें मेरे नबी दियां रावां च कंडे भी छाए ने अज ओनू भी ख्याल आ रहा अज बदला लिया जावेगा जिन्हें मेरिया नबी दियां बेटियां ते जुलम कीते सन अज ओना नू भी ख्याल आया अज बदले ले जाणगे जिन्हें मेरे नबी दे बिलाल नू मारिया सी अज ओना नू भी ख्याल आ रहा अज बदले ले जाणगे नबी पाक अपनी ऊंटनी कस्बा ते बैठे ने तेरे नबी ने अपना सिर इतना झुका लिया कि ऊंटनी दी पलां दे नाल मेरे नबी दी पेशानी पई लगदी है मेरे आका परमा दसो मैं की सलूक करां अज तुहाडा की ख्याल है सारे मकी पई अख जबां बोले कहन लगे सोनिया मर्दी अपनी करनी आ पर सानू ए ना पता है चंगी मां दा पुत्तर है चंगे बाप दी बड़ी शान जनू समझ आई बोले सुभान अल्लाह मेरा नबी मक्के दा फाते कोई खून नहीं बहाया किसी दा खून भी नहीं बहाया जेड़ा चंद लोगों का खून बहाया ओदे ते भी नबी पाक नू बड़ा अफसोस है क्योंकि उन्हें हमला मुसलमानों पे किया नबी पाक ने फरमाया आज मैं तुहानू ओ ये ऐलान सुनावा लगा जेड़ा यूसुफ ने अपने भाइयों नू सुनाया सी फरमा लाओ तसरीब अलैकुम अलयौम व अंतुम तुलका मेरे नबी ने फरमाया यूसुफ ने वीरां नू आख्या सी जाओ मेरे वीरों मैं तुहानू माफ किया मेरे आका ने फरमाया जाओ मखियो मैं तुहानू माफ किया नौजवानों पर एक जो बंदे ऐसे सन जिन्हों के बारे दस लोगों के बारे मेरे नबी ने फरमाया वो काबे के परदे के पिछे भी छुपे हो मत अज उन्होंने छोड़िया जना उन्होंने एक नाम से जुहैर या जहीर एक अरब का एक शायर से नबी पाक की बेदबी च शेर लिखता हजूर ने फरमाया जिथे मिले मार दो परदा करके ना नकाब ओढ़ के नबी पाक की महफिल च आके बैठ गया नबी पाक ने फरमाया जिथे भी मिले मार दो ये दस बंदे जिथे मिलन मार दो काबे दे परदे च छुपे हो मन उथे भी मारिया जे परदा करके ते पिछू बोल के कहंदा पावे जहीर ही होवे नबी पाक ने फरमाया हां जहीर होवे ते उन्हें भी मार दो दोबारा फरमाया मेरे नबी ने चलो सारे नु माफी ते आप ही बोल के कहंदा जहीर नु भी माफी है तीसरी मरतबा मेरे नबी फरमाया सारे नु माफी फिर बोल के कह लगे जहीर नु भी माफी मेरे नबी फरमाया चलो उन्होंने भी माफी है उठ के खड़ा हो गया कह लगे आप ही हुण ऐलान किया जे माफी है हुण माफ करो या रसूल अल्लाह मैनू माफ कर आजे कौन है दिवाली ने फरमाया हुण मैं अपने लबा चो निकाल बैठा जा अज तेनों भी माफी है मेरी मिल्लत दे नौजवानों हजूर ने जो माफी अता की ना उन्हें मक्कतुल मुकर्रमा दे काबे दे वेड़े च बड़े अजीब अजीब वाकियात गुजरे मैं चंद वाकियात फतह मक्का दे हवाले जड़े उस दिन गुजरे आइए मैं अर्ज करा नौजवानों मैं केड़ा रंग अर्ज करा दिता हुसन बयानानो ए दिता हुसन बयानानो जग दे सुल्ताना दे अगे झुकना पिया ये जग दे सुल्ताना दे अगे झुकना पिया जग दे सुल्ताना नौजवानों कौन है दिवाली काबा दुल मुकर्रमा दे अंदर खड़े ने
तवज्जो रखिया जे मेरे नबी ने एक जदो मक्का छड़ के मदीने गए ना चंद दिन पहले नबी पाक ने उस्मान बिन तलहा नु मिले जिदे कोल काबे दी चाबी सी। नबी पाक ने पता सी मैं मदीना चलिया ते मक्का छड़ के चलिया, ख्याल आया मैं काबे च दो नफल ही पढ़ जावा, काबे दी ज़ियारत कर जावा। आपने फरमाया उस्मान बिन तलहा नु जरा चाबी देना काबे दी, मैं काबे दी ज़ियारत करनी। उन्हें कहा मैं नहीं देनी चाबी। नबी पाक ने दोबारा फरमाया जरा चाबी दे मैं काबे दी ज़ियारत करनी। उन्हें कहा मैं नहीं देनी। हजूर ने फरमाया कदे ना आवेगा ए चाबी मेरे हाथ च होगी, मेरा जिन्नो दिल करे देवांगा। वो इस तरह करके वेख के कहन लगा की आख्या जी। हजूर ने फरमाया एक दिन चाबी मेरे कोल होवेगी जिदा मिन्नो दिल करेगा देवांगा। कहन लगा उस दिन कुरैश ने जलील हो जाना। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, उस दिन कुरैश दी इज्जत दा दिन होवेगा। मेरे नबी जदों मक्का फतह किया ना ओही उस्मान बिन तलहा खड़े। मेरे नबी फरमाया उस्मान बिन तलहा जरा नेड़े आना करीब आए। चाबी काबे दी मंगी, कह लगा याद मेरे नबी ने फरमा ले आओ चाबी। उस्मान बिन तलहा ने चाबी मेरे नबी दी चली दे रखी। फरमा वेख ला जो कुरैश दी इज्जत दा दिहाड़ा आई, चाबी मुहम्मद देवन लगे ने जा कयामत तक काबे दी चाबी तेरी नस्ल ची रवे। दुश्मनां भी नवाज रहे। उस्मान बिन तलहा ने उस वेले नबी दे कदमां ते हाथ रखे, कहन लगा कलमा पढ़ाओ कलमा पढ़ाओ। सारे मक्की वेख रहे हुण पढ़ा ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਪੜੋ ਤੇ ਲੁਤਫ ਆ ਜਾਏ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਕੌਲਾ ਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਸਾਰੇ ਪੇ ਆਖ ਦੇਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਉਸੂਲਾਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੋਲਿਆ ਤੇਰੇ बड़ा सोहना वे लोग कहते ने मन मोना मन मोना। हुण कमली वाले ने मन मोना वड्डा कौन हो सकता है? कहिंदा जमाना मोह लिया तेरे असूलां जिन्हों लगता हाथ खड़ा करे बैठा। हुण हाथ इत्थे ही रखिया जे नीचे नहीं करना भाई तो लहरा के सारे पढ़िए जमाना ओ ले आ तेरे उसूला या रसूल अल्लाह जमाना ओ ले आ तेरे उसूला या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह गवाही तेरी दिती सब रसूलाया रसूल अल्लाह। जमानो मेरे नबी ने काबे का तवाफ किया, काबे का तवाफ करके जुहर की नमाज का वेला आया। कौन है दिवाली ने फरमाया मेरा बिलाल किथे? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਊਂਟਨੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਹਾਰਸਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਸੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ।
तुसी समझे नहीं, मक्का फतह कीता तारीखे आलम दा इतना बड़ा दिन ते ऊंटनी ते हसन हुसैन नहीं बैठे, एक गुलाम दा बच्चा बैठा है मेरे नबी दे। हाय हाय हाय, एक गुलाम दा बच्चा मेरे नबी ना ऊंटनी ते बैठा है, वेख नीवें नूं उच्चा करन लगा। ओ जड़े जमाने दे चौधरी सन ना, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, अबू सुफियान वर्गे बड़े 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 चौधरी, उमैया बिन खलफ वर्गे, सफवान बिन उमैया वर्गे, अखनफ बिन शरीक वर्गे, ओ जड़े कहते सर नहीं नहीं मोहम्मद तेरा कलमा क्यों पढ़िए, असी तेरे ना वड्डे चौधरियां। पर अज चौधरा किथे गईयां, ऐ मेरे नबी दियां शाना सारे दियां औलादां पईयां वेखदियां, अबू जाल दा पुत्र भी पिया वेखदा, उमैया बिन खलफ दा पुत्र भी पिया वेखदा, अज उन्हां काफिरां दियां औलादां मेरे नबी दी शान वेख रहीआं। अबू सुफियान ने कलमा पढ़िया ते अजान दा वेला आया ते फिर गुलाम नूं आवाज दित्ती, अरबी नूं आवाज नहीं दित्ती, हबशी नूं आवाज दित्ती, गोरे नूं आवाज नहीं दित्ती, काले नूं आवाज दित्ती, किसे चौधरी नूं आवाज नहीं दी, एक गुलाम नूं आवाज दी। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल किथे वे, बिलाल किथे वे, आ गए जी सोनिया। मेरे नबी फरमाया चढ़ काबे दी छत ते अजान पढ़। तारीख आलम दा इतना बड़ा वाकया ते काबे ते अजान पढ़न वास्ते उमरे फारूक ते अबू बकर ते उस्मान ते अली नूं नहीं बुलाया, मेरे नबी बिलाल नूं बुलाया। रंग भी काला है, भी हबशी है, भी गुलाम, मेरी मिल्लत दे नौजवान कौन है? दिवाली ने फरमाया चढ़ जा काबे दी छत ते अजान पढ़। बिलाल दियां ते निकल चीखा गईयां, अर्द कीती मैं गुलाम होके ते काबे दी छत ते चौधरी खड़े ने सुने कौल है? दिवाली ने फरमाया बिलाल काबे दी छत ते चढ़ जा, दुनिया दे चौधरियां नूं आई दसना चाहना, ओ दुनिया दे चौधरियो तुहाडे नालों मुहम्मद कमी दा मुकाम बहुता, तुहाडे नाल मुहम्मद कमी दा मुकाम। चढ़ जा काबे दे छाते, बिलाल ए ऐसा करके हाथ उच्चे कीते, छत उच्चा कद नीवा, मुड़ के इंज नबी वल वेख्या हुण किवें चढ़ा। मेरे नबी ने फरमाया कोई सहाबी बिलाल दे पैरां थले मुड़ रख नूं चढ़ा दियो। बिलाल फिर रो के अर्ज कीती सोनिया ए अरबी मैं हबशी, ए अमीर मैं गरीब, ए कमली वाले आजाद मैं गुलाम, ते सोनिया मैं किसे सहाबी दे मोढ़ियां ते पैर रखा, ए गोरे मैं काला, ए अरबी मैं हबशी। फरमाया चढ़ जा किसी के मोढ़े ते पैर रख के चढ़ जा, मैं दुनिया नूं दसना चाहना जेड़े नीवे होवन मुहम्मद आसरा दे के उच्चा कर देंदा जे, तेरे किरदार तो सदके सोनिया। नौजवान मैं केड़ा रंग देवां, दुश्मन नूं दुआ देवे डिगियां नूं उठा देवे, इस्लाम दे बानी किरदार बड़ा सोना। फरमा चढ़ जा काबे दी छत, हाय हाय हाय, कैसा मंजर होगा। और दुनिया दे चौधरी ए इंज करके बिलाल वल वेखते, अल्लाह सारे नु काबा वेखण दी तौफीक देवे, अल्लाह करे इसे साल सारे जाइए जाए जो काबे ते पहली निगाह पवे, एक बारी काबे दी छत ते तेरा अख बंद करके मंजर सोची, जो बिलाल काबे दी छत ते होवेगा ते सारे 10,000 सहाबा थले खलोते होवणगे, मक्के दे सारे चौधरी बिलाल वल वेखदे होणगे। बिलाल कन्ना चुंगलियां लईयां ना, बिलाल दी आवाज आई अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, आवाज पहाड़ा ना टकरा के जब मुड़ मक्के वापस आई तो सुनने वाले नु वजद ही हो गए, ओदी मिठी जी आवाज ना जब अजान दी आवाज आई। हुण मैं तुहानू अगली गल सुनावा, बिलाल अजान पढ़े ते एक काफिर पता ना दूसरे नु पता की पे आखे कन विच, कहंदा चंगा हो गया मेरा अब्बा मर गया, उन्हें आज दिन तो नहीं वेख्या, वो गुलाम काले रंग दे हबशी काबिद के छतां ते चढ़ गया। दूसरा बोल के पता नहीं की कहंदा, कहंदा जिवें रब दी मर्जी,
अबू सुफियान करीब खड़ा, ये दोवें आवाज देके कहंदे ने तू भी कुछ बोल। अबू सुफियान कहंदे मैं नहीं कुछ बोलना। कहन लगे क्यों? अबू सुफियान कहंदे जे ओ पत्थर नूं आके मुहम्मद ने पूछ लिया ना की पे गल्लां करदे सन, ते ओ पत्थर ने सारियां ही सुना दे दियां। हाय 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 नबी पाक ना बिलाल अज़ान पढ़े, नबी पाक टूटे टूटे नतीना को लागे, हजूर फरमा की गल्लां पे कर दे। वो पहला कहंदे जी मैं कुछ नहीं आख्या। नबी पाक ने फरमा तू इंज नहीं आख्या कि शुक्र मेरा अब्बा मर गया। कहंदा जी आख्या। हजूर दूसरे वाल वेख के फरमा तू ये नहीं आख्या जिवें रब की मर्जी। कहंदा जी। अबू सुफियान वाल मेरे नबी अंजा जे वेख्या कहंदे मैं कुछ नहीं आख्या। हाय हाय मैंने नबी मुस्कुरा के फरमा मैंने पता तू कुछ नहीं आख्या। वाह कमली वाले तेरी शाना तो सदके जावा। बिलाल अजान पढ़ रहे सारे मशहूर होके ना उदी आवाज ना मशहूर होके ते बिलाल दी आवाज सुन रहे ना। नौजवान साहब फरमाते ने ख्याल आया अजान दे काबे वाले चेला करके पड़ी दी है। बिलाल काबे दी छत ते खड़ा है किधर चेला करके अजान पड़ी जा रहा है। सहाबा वेखिया बिलाल दा इश्क वेख रौन रह गए। बिलाल अजान पड़ी जा रहा है पड़ी जा रहा है जिधर जिधर कमली वाला टुरी जा रहा है। बिलाल उधर उधर मुड़ी जा रहा है। हुण बोलो सुभान अल्लाह। मैं इत पढ़ना होना हौसले माड़ियां दे बधावे पिया आजजी तगड़ियां नूं सिखावे पिया ते नीर गारां च जाके बगावे पिया जिन्नों अरशां ते रब ने पंद्रह दिन मेरे नबी मक्के रहे। कितने आखिरी गल करन लगा लज़त ले लो। पंद्रह दिन मेरे नबी मक्के गुजारे। जब पंद्रह दिन गुजर गए ना ते हुण जिहड़े मदीने वाले सन मदीने वाले सहाबा उन्हां दे दिल च एक वहम आ गया। नौजवान मदीने वालों नूं ख्याल आया नबी पाक मक्के आ गए ने। 53 साल नबी ने जिंदगी दे मक्के गुजारे 10 साल मदीने गुजारे। उन मदीने वालों नूं ख्याल आया इन्हां मक्के वालों जदों नबी ते जुल्म कीते असा मदीने वाले अपना मदीना पेश कर दिता असा नबी दे साहबा नूं वी सभा लिया। अज नबी पाक अपने मक्के शहर आ गए ने। हुण पता नहीं नबी ने मक्के रहना कि मदीने रहना है। नबी करीम ने ख्याल आया मेरे मदीने वालों का किधरे दिल ना टुट जाए। नबी पाक ने सारे साहबा इकट्ठे करके फरमाया मदीने वाले सोच दे मैं मक्के रवांगा कि मदीने रवांगा। फरमा याद रखे आजे मेरा जीना भी मदीना में मेरा मरना मदीने वाले नाल प्यार। फरमाया ते ना समझ आजे कि मैं मक्का आके ते होरे मदीने नु भूल जावांगा। फरमाया ना ना। फरमाया ओ मदीने वाले मैं मुहम्मद दा मरना जीना तो हाडे नाल मदीने ही रहेगा। आज भी वेख लो सोने मदीने कयाम फरमाया होया मक्का फतह ते कर लिया पर कयाम मेरे नबी मदीने रखिया। हो सकता किसी दे जे ख्याल आए आसी साहब रब दा घर ते मक्के सी ते महबूब 300 मील दूर मदीने। महबूबा नूं भी कदे दूर करीदा ते जे मक्का फतह हो ही गया सी ते नबी पाक मक्के ही रह जांदे। नबी पाक दा दादका शहर सी। हजूर इत्थे पैदा होए 53 साल जिंदगी दे गुजारे ते हजूर मदीने क्यों गए? असल च रब दा हुक्म सी सोणिया तू मदीने डेरे लगा। फरमाया कयामत तक लोग हज करन मक्के आना है। जे तेरा ते मेरा घर कट्ठे रहे ना ते लोग आखना हज करन आया चलो जांदे जांदे मदीने नबी मदीने कमली वाले नूं भी मिल जाइए नाल ही ते नबी दा घर है। अल्लाह फरमाया ना ना सोणिया तू ला दरा मदीने ओ 300 मील दूर डेरे मैं वेखा मैनू मिलन केड़ा आउंदा तेनू मिलन केड़ा जांदा।
देखा मेरे यार को भी लड़केड़ा जाता है। मेरे नबी ने फरमाया मन हज वलम यजुर नहीं फकत जफा नहीं। हजूर ने फरमाया जेड़ा हज करे पर मदीने मुहम्मद नु मिलन ना आवे वो मुहम्मद ना बेवफाई करके चले आए है। वो बेवफा है मुहम्मद दा जेड़ा हज करके टुर जाए जब मुहम्मद नु मदीने ही ना मिलन आए। फरमाया सोने तू जरा दूर डेरे ला असि ईमान ते चेक करिए ना केड़ा मेरे यार नु मिलन मदीने जांदा है। तो गिरामी कदर हजरात इस रमजान शरीफ दे माहे मुकर्रम दे अंदर अल्लाह ने अपने महबूब नु बहुत बड़ी फतह अता फरमाई। फरमा इजा जा अनसरुल्लाह वल फतह। हाय हाय अगला जुमला लज्जत ना सुनया जे अल्लाह फरमांदा पर ऐतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा। अल्लाह फरमाए सोनिया वेख्या ही फौजां दीन च दाखल पिया हुंदियां ने लोग फौजा बन बन वर ऐतना सैयद खुलू नफी दीन लाही अफवाजा। फरमा वे सोना फौजा दियाँ फौजा तेरे रब दे दीन विच दाखिल हो रही है। फतह मक्का दे बाद सारा कुछ होया। अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ मेरी तुहाडी हाजरी कबूल फरमाए। आमीन। वाखिरु दवाया अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।